तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत गेमिंग। और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सर्वर में हम जब लॉगिन करते हैं, बहुत सारे सर्वर में हमसे लॉगिन या फिर रजिस्टर पासवर्ड मांगते हैं। तो वहाँ पे हम उस सर्वर में हम स्टार्टिंग में रजिस्टर और लॉगिन कैसे करें, यही मैं आप सबको बताने वाला हूँ। आई नो आप सबको मालूम है क्योंकि आप सब खुद ही प्रो, पर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि रजिस्टर कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, और आपको मालूम है तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक, तो गाइस सबसे पहले हम को बता, किसी भी सर्वर में जब एंट्री करते हैं तो उसमें रजिस्टर कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट्स गो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा सर्वर है। इस सर्वर को मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो हम कहीं पे ऐसे स्टक होते हैं। ठीक, जैसे कि हम आए तो देखो, हम मतलब कहीं जा नहीं पा रहे, एक जगह पे स्टक हो चुका है। यहाँ पे लिख रहा प्री रजिस्टर यूजिंग स्लैश रजिस्टर स्पेस पासवर्ड। तो इसमें बहुत मतलब सिंपल लिखा हुआ है, पर बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को नहीं मालूम है, तो कुछ नहीं करना है गाइस। सिंपल पॉकेट हो या जावा हो, दोनों के लिए सेम ट्रिक है। आपको टेक्स्ट जहाँ पे लिखते हो वो वहाँ पे स्लैश लिखना है, फिर आपको REGISTER रजिस्टर लिख के स्पेस देना है। ठीक, फिर हमें एक अपना एक पासवर्ड बनाना है, जो पासवर्ड हमको याद रखना होगा जब भी इस सर्वर में लॉगिन करेंगे तो वो पासवर्ड हमें चाहिए। ठीक, तो एक अच्छा पासवर्ड आप बना लीजिए और लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक, संजीत मेरा पासवर्ड है। तो मैं स्लैश रजिस्टर लेके स्पेस देके संजीत लिख के फिर स्पेस दूंगा, और फिर वही दोबारा पासवर्ड, सेम पासवर्ड दोबारा लिखेंगे संजीत। ठीक, तो दो बार पासवर्ड लिख के फिर इंटर कर देंगे तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर, यू आर नाउ लॉग्ड इन। अब हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, अब हम जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं, जहाँ मन जो करना है वो कर सकते हैं। तो अब हम रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये तो हो गया सिंपल रजिस्टर करने का, पर अब बात है, जैसे आप एक बार रजिस्टर कर चुके हो, अब दोबारा उस सर्वर में आओगे तो क्या आपको दोबारा रजिस्टर नहीं कर, वहाँ पे लॉगिन करने बोलता है। तो तब आप लॉगिन कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मुझको फिर से रिस्टार्ट करना होगा। ठीक, तो कुछ देर के बाद मैं दोबारा आया हूँ, दोबारा ऑन किया हूँ अपने सर्वर को, और दोबारा मैं उसमें ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखते हैं इस बार क्या मांगता है रजिस्टर या क्या कहता है। ठीक, तो खुद देखते हैं। तो देखो पूरा ब्लैक, फिर मैं दोबारा स्टक हो चुका हूँ, पर इस बार यहाँ रजिस्टर नहीं, इस बार लिखा है प्लीज लॉग इन यूजिंग लॉग इन पासवर्ड। तो हमने अब हमें लॉगिन करना है वही पासवर्ड है जिससे हमने रजिस्टर किया था। तो जब फर्स्ट टाइम आप किसी सर्वर में जाओगे तब आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप दोबारा मैम जब जितने बार भी उस सर्वर में जाओगे तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए सिंपल वही करना है, फिर आपको पॉकेट हो या जावा टेक्स्ट में जाके लिखना है स्लैश लॉगिन। ओके, लॉगिन लिख के स्पेस देना है, और फिर जो पासवर्ड हमने दिया था एक बार नहीं दो दो बार दिया था, तो उसमें इस बार दो नहीं बस एक बार देना है। ठीक, तो मैंने सही से संजीत लिखा था। ठीक, तो मैंने यहाँ पे संजीत लिख दिया। ओके, संजीत लिख के अब मैं इंटर करूंगा तो मेरा लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि आप देख लो। ठीक, तो ये देखो सक्सेसफुली लॉग्ड इन, तो मैंने संजीत का किया लॉगिन हो गया। ठीक, तो अब इसमें कितना बार होता है कि हम पासवर्ड तो बना लिए पर हमको वो पासवर्ड चेंज करना है। तो अब ये लास्ट टॉपिक है कि हम पासवर्ड जब रजिस्टर एक बार कर लिए तो उसके बाद क्या हम दोबारा अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। जी हाँ, हम दोबारा उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, पर कैसे करते हैं उसके लिए वीडियो को पूरा देखो, और पूरा क्या अभी मैं बताता हूँ। तो गाइस उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है, आप एक बार लॉगिन होने के बाद ही पासवर्ड चेंज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप लॉगिन कर चुके हो फिर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो फिर आप उसको फॉरगेट करने का, अभी उसका ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगा, पर चेंज पासवर्ड कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो चेंज पासवर्ड के लिए गाइस आपको पहले उस सर्वर में लॉगिन हो जाना है अपने पुराने पासवर्ड से, और पुराना पासवर्ड याद रखना होगा तभी हो पाएगा चेंज पासवर्ड। ठीक, तो लॉगिन होने के बाद आपको फिर टेक्स्ट में जाना है, पॉकेट हो या जावा हो सेम पास देखिए दोनों के लिए आपको टेक्स्ट में जाना है, स्लैश लिख के आपको लिखना है चेंज पास भी लिख सकते हो, चेंज पासवर्ड भी लिख सकते हो। तो मैं चेंज पासवर्ड लिखता हूँ। ठीक, चेंज पासवर्ड लिख के स्पेस देना है, फिर आपने जो पुराना पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देना है। ठीक, तो संजीत मैंने पासवर्ड दिया था तो मैं संजीत लिख के फिर स्पेस देना है, और आपको जो नया पासवर्ड डालना है वो आप लिख सकते हो। पहले पूरा चेंज पासवर्ड स्लैश चेंज पासवर्ड स्पेस ओल्ड पासवर्ड स्पेस न्यू पासवर्ड, तो अब हमें न्यू पासवर्ड देना है। तो अब इस बार मैं संजीत गेमिंग पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक, तो अब फिर संजीत गेमिंग करके इंटर करूंगा तो मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो सक्सेसफुली चेंज पासवर्ड, अब मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है, पर अब हम एक बार ट्राई करते हैं क्या मेरा सच में पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चलो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक, तो फिर मैं इसको रिस्टार्ट करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं दोबारा सर्वर में आ चुका हूँ, और अब हम दोबारा लॉग इन करेंगे, पर पहले हम पुराने पासवर्ड से लॉग इन करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक, तो स्लैश लॉगिन स्पेस ओनली संजीत लिखते हैं। ठीक, तो मेरा पुराना पासवर्ड था। ठीक, ओनली संजीत लिखे इंटर,
तो यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन फेल्ड इनवैलिड पासवर्ड, तो यहाँ मेरा पासवर्ड गलत हो चुका है क्योंकि अब पासवर्ड मेरा चेंज हो चुका है। तो अब नया पासवर्ड आपको जो डाल के दिखाता हूँ, लॉगिन स्पेस संजीत गेमिंग, ओके ये मेरा न्यू पासवर्ड आप लोग के सामने डाला था, फिर इसको इंटर कर दिया तो मेरा लॉगिन हो चुका है, मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ, मतलब सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए, उसका भी तुम्हारा भाई सॉल्यूशन निकालेगा और निकालेगा तो वीडियो बनाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू, बाय बाय।